नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ में राकेश। कटिहार की इस वैश्विक त्रासदी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां वोकल फॉर लोकल यानी कि आत्मनिर्भरता का मंत्र दे रहे हैं, वहीं बिहार के सीमांचल के कटिहार के इस इलाके के किसान मोदी जी के सपने पर खरा उतरने की कवायद में जुटे हैं। जहाँ सीमांचल के इन इलाके के किसान मक्का मखाना केले की पारंपरिक खेती के लिए जाने जाते हैं, वहीं कटिहार के हसनगंज के किसान राजेश महतो और सिक्को देवी ने पारंपरिक खेती से अलग हटकर अनानास की खेती कर इलाके के लोगों के लिए मिसाल बनकर रहे हैं। अनानास की खेती कर रहे इन किसानों के खेत से ग्राउंड जीरो से जायजा लिया, किसानों से बात की हमारे संवाददाता रितेश रंजन ने। देखे खास रिपोर्ट। कोरोना की इस वैश्विक त्रासदी में जहां किसानों की माली हालत लचर है, वहीं कटिहार के हसनगंज के किसान ने अनानास की खेती कर एक इबादत लिखा है। जहां एक और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वोकल फॉर लोकल आत्मनिर्भर होने का दावा कर रहे हैं, देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सोच रहे हैं, वहीं कटिहार के जगन्नाथ हसनगंज प्रखंड के जगन्नाथपुर पंचायत के नवादा गाँव के ये किसान जो है अनानास की खेती कर खुद को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक पहल की है। हालाँकि कटिहार के सीमांचल का ये इस इलाके की बात कर ले तो इस इलाके में केले की फसल, मक्का की फसल, मखाना की फसल की खेती होती है, लेकिन अनानास की खेती करके ये किसान जो है इन दिनों इलाके में सुर्खियां बटोर रहे हैं। हमारे साथ जो खेती करने वाले जो इस किसान हैं उनसे सीधे रूबरू मिलते हैं और जानते हैं आपने अनानास की खेती की है, क्या क्या जरूरत होता है इस खेती में? पानी, मतलब गेथी, बलुआ जमीन के लिए अच्छा होता है। कहाँ से प्रेरणा मिला आपको मखाना ये अनानास की खेती? मायके से मिला है। कहाँ हुआ आपका मायके? जंगला भीटा। क्या क्या जरूरत होता है, क्या क्या सीखे हैं वहाँ से? वहाँ से सीखे हैं, वहीं लगाता था मेरा पिताजी तो सीखे हैं, तो मेरा घर वाला बोला कि बोले तुम भी हम भी लगाएंगे तो अच्छा होगा, खेत मिला थोड़ा सा। अच्छा, जमीन मतलब लीज पर। लोग तो, अब आपको इलाके में अनानास देवी के नाम से जानते हैं, बहुत सुर्खियाँ बटोरे, बहुत लोग तारीफ करे, कैसा लग रहा है सुन के? अच्छा लग रहा है। फायदा हुआ है कुछ खेती से? फायदा थोड़ा हुआ है, लॉकडाउन में उतना नहीं हुआ है, बाजारे नहीं खुलता है तो कैसे होगा उसमें। लॉकडाउन की मार कहीं ना कहीं इनके अनानास की जो खेती करें उन किसानों को भी चेहरे पर स्पष्ट देखने को मिल रही है। इनके पति संजय महतो हैं, उनसे रूबरू होते हैं। जी संजय जी, बताइए कि बाज़ार मिल पा रहा है आपको अनानास की खेती? नहीं, अभी बाज़ार नहीं मिल पा रहा लॉकडाउन के कारण। तो आमतौर पर लोग धान की खेती करते हैं, मकई की खेती करते हैं, आप अनानास की खेती करें कुछ अलग हटके, ऐसा क्या ख्याल आया आपके मन में? इसमें है क्या, मक्का धान गेहूँ से इसमें फ़ायदा ज़्यादा है, इसलिए कि हम सोचे कि इसी को लगाएँ, मुनाफा ज़्यादा हम कमाएं। इलाके में तो इस तरह की खेती नहीं होती? नहीं, बाज़ार मिल पा रहा है इसका अनानास का? नहीं, बाज़ार तो अभी नहीं मिल पा रहा है, अभी लॉकडाउन के कारण से नहीं मिल पा रहा है। कितने कट्ठे में खेती किए? 10 कट्ठा में किए हैं। तो कुछ अभी भी कितना फसल बेच चुके? कितना? अभी 3,000 के आसपास बेचे हैं फल। फायदा हो रहा है? हाँ, फायदा हो रहा है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। तो निश्चित तौर पर लॉकडाउन का जो कहर है ये अनानास की खेती करने वाले किसानों पर भी पड़ा है, लेकिन जो ये किसान हैं संजय महतो, उनकी पत्नी सिक्को देवी जो अपने मायके से ये अनानास की खेती की जो गुड़ होती है वो उन्होंने सीखी है, कुछ स्थानीय लोग हैं उनसे जुड़ते हैं, जानते हैं कि जी बताइए आमतौर पे जो किसान हैं यहाँ के इस इलाके के किसान मक्का की खेती, केले की खेती करते हैं, मखाना की खेती करते हैं, ये लोग अनानास की खेती करें कुछ अलग हट कर, क्या लगता है आपको कि हसनगंज में हसनगंज का ये इलाका नवादा गाँव जो है सुर्खियों में है अनानास की खेती को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि यहाँ पर संजय महतो जो है अपने ससुराल से गिफ्ट कहिए, उनके पत्नी यहाँ ला करके पति पत्नी दोनों मिलके खेती किया यहाँ अनानास की, और गांव समाज में एक नया पहल को उत्पादन किया, और हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार को भी इस खेती के लिए किसान को प्रोत्साहित करे और अन्य किसान को भी इससे सीख लेने की ज़रूरत है, ताकि लोगों में आत्मनिर्भर बनने का अच्छा स्रोत होगा। निश्चित तौर पे जो किसान है आमतौर पे ये किसान जो केले, मक्का, मखाना की फसलों को छोड़कर पारंपरिक खेती को छोड़कर अनानास की खेती किए हैं, इस आशा में इन्होंने ये खेती की है कि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा और देश का जो मंत्र है, मोदी जी का जो मंत्र है आत्मनिर्भर बनने की दिशा में, उसमें संजय महतो और सिक्को देवी ने जो पहल की है निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। जरूरत है सरकार और जो जिला प्रशासन है इस तरह की खेती को प्रोत्साहित करे, ताकि आने वाले समय में किसान जो इनसे प्रेरणा लेकर अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सही कदम उठा सके। कैमरा पर्सन विश्वजीत के साथ रितेश रंजन, कटिहार। तो आपने इस पूरे रिपोर्ट को देखा, रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मंत्र दिया है आत्मनिर्भरता का, उस पर बिल्कुल ये गांव के जो लोग हैं वो खड़ा उतर रहे हैं। मेरा नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है, खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।
लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।